हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बनता है। मानव शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया पानी की मौजूदगी से ही पूरी होती है और मानव शरीर से जितने भी नुकसानदायक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाल फेंकने का काम भी पानी ही करता है। और मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है पानी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पिछले कई सालों के दौरान लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से हमारे पानी को हानिकारक तत्वों, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, वायरस, औद्योगिक कचरे और ऐसे न जाने कितने ही हानिकारक तत्वों ने पानी को बुरी तरह से गंदा करके रखा हुआ है। और इन्हीं हानिकारक तत्वों की वजह से पानी की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी ORP वैल्यू और टोटल डिजॉल्व सॉलिड यानी TDS वैल्यू पर बहुत बुरा असर डाला है। ORP से पानी की उस क्षमता को मापा जाता है जिससे कि वो पानी के ऑक्सीडेशन को कम करता है और TDS वैल्यू पानी की उस क्षमता का नाम है जिससे वो पानी में घुले हुए हानिकारक तत्वों को कम करता है। यानी कि पानी में ORP की वैल्यू जितनी ही कम होगी पानी उतना ही शुद्ध और फायदेमंद होगा और पानी में TDS की मात्रा जितनी ही कम होगी पानी उतना ही शुद्ध और पीने लायक होगा और TDS की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होगी पानी उतना ही अशुद्ध और नुकसानदायक होगा। हानिकारक तत्वों से भरे पॉजिटिव ORP और ज़्यादा TDS वैल्यू वाले पानी के लगातार इस्तेमाल से हमारे शरीर में एक एसिडिक कचरा जमा हो जाता है और एसिडिक कचरे से लगातार लड़ने के लिए फिर हमारा शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उसके बाद शरीर और एसिडिक कचरे के बीच में लगातार चल रही ये जंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है और फिर शुरू होता है बीमारियों, परेशानियों का लगातार एक सिलसिला। और ऐसी कई आम बीमारियां हैं जो आपने भी सुनी होंगी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, मोटापा, जोड़ों में दर्द और ऐसी अनेक कितनी ही बीमारियां हैं जो आज की डेट में तो आम हो गई हैं। पानी में से हानिकारक तत्वों को अलग करने और पानी को पीने लायक बनाने के लिए अलग अलग तकनीक यूज़ किए हुए उपकरण आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ हैं रिवर्स ओमनोसिस यानी RO, दूसरे हैं अल्ट्रावाइल्ट लाइट, अल्ट्रा फिल्टराइजेशन और वाटर एल्कलाइजर। ये सारे मशीन्स इनमें से एक या दो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पानी को साफ करते हैं, लेकिन पानी में घुले हुए हानिकारक तत्व और पानी की गुणवत्ता में आए हुए बदलाव इतने ज़्यादा होते हैं, इतने अपर लेवल तक होते हैं कि पानी उस लेवल तक साफ नहीं हो पाता है जितनी ज़रूरत हमारे शरीर को है, जिससे हमारे शरीर बीमारियों और परेशानियों से दूर रहे। अब हमें ज़रूरत है एक ऐसे बेहतरीन उपकरण की जो कि पानी में घुले हुए इन हानिकारक तत्वों को निकाल के बाहर कर दे, जो कि पानी के मिनरल्स की मात्रा को बढ़ा दे, ORP वैल्यू को नेगेटिव कर दे और TDS वैल्यू को कम कर दे और पानी की गुणवत्ता को उस स्तर तक पहुंचा दे जितनी कि हमारे शरीर को जरूरत है। तो समझ लीजिए, आपकी ये सारी इच्छाएं पल में पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि दीपक एनर्जी लेके आया है एक ऐसा उपकरण जो कि पानी में घुले हुए इन सभी हानिकारक तत्वों, धूल, मिट्टी, केमिकल, पेस्टिसाइड, वायरस और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक तत्वों को निकाल कर बाहर फेंकता है, पानी की जरूरी मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाता है, ORP की वैल्यू को नेगेटिव करता है, TDS वैल्यू को कम करता है। अरे इतना ही नहीं भाई, अभी बहुत कुछ है। ये पानी को और भी बेहतरीन और स्वादिष्ट बनाता है। दोस्तों, दीपक एनर्जी के इस चमत्कारी उपकरण का नाम है एक्वा एनर्जी RO। एक्वा एनर्जी RO में 8 अलग अलग टेक्नोलॉजी और फिल्टर का यूज किया गया है। नंबर 1, स्पन कैंडल 5 माइक्रोन तक की धूल, मिट्टी, रेत, जंक जैसी बाकी अशुद्धियों को अलग करता है। नंबर 2, इनलाइन सेडिमेंट फिल्टर बाकी अशुद्धियों को भी अलग करता है। नंबर 3, इनलाइन प्री कार्बन फिल्टर यानी कि कार्बनिक अशुद्धियों और क्लोरीन की मात्रा को कम करता है और पानी में से बदबू का सफाया करता है। नंबर 4, मेम्ब्रेन, ये पानी में से हार्मफुल केमिकल्स और जैविक अशुद्धियों को निकालकर पानी की TDS वैल्यू को कम करता है। नंबर 5, UV, यूवी लाइट पानी में से वायरस और बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है। नंबर 6, UF पानी में डीएक्टिवेटेड वायरस और बैक्टीरिया और बेहद ही छोटे हानिकारक तत्वों को निकालकर अलग कर देता है। नंबर 7, एल्कलाइन मिनरल कार्टेज यानी कि पानी में मौजूद pH की मात्रा को बढ़ाता है और पानी में मौजूद मिनरल्स की मात्रा में भी बढ़ोतरी करता है। नंबर 8, सबसे इम्पॉर्टेंट,
यानी कि इनलाइन पोस्ट कार्बन पानी के स्वाद को बहुत ही अच्छा करता है। इन 8 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और फिल्टर का यूज करके एक्वा एनर्जी आरओ पानी की क्वालिटी को उस आइडियल लेवल तक लेके जाता है जिसकी जरूरत आपके शरीर को है। क्योंकि ये हर प्रकार के हानिकारक तत्वों से मुक्त होता है। नंबर 2, इसमें सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। नंबर 3, ORP वैल्यू को नेगेटिव करता है और TDS वैल्यू को कम करता है। नंबर 4, हम सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पानी के स्वाद को भी बेहतरीन करता है। तो आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इसके फायदों पर, जो कि एक्वा एनर्जी आरओ के फिल्टर्ड वाटर के लगातार सेवन से आपको मिलती हैं। वो है, ये आपके शरीर को एसिडिक कचरे से दूर रखता है, ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, ये आपके शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स को सोखने की ताकत को बढ़ाता है। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हो? अरे भाई, अभी इतने दिनों तक आप जिस चीज के बारे में इतना सोच रहे थे, अब वो है आपकी आंखों के सामने। तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से अब इस उपकरण को बनाइए अपनी जिंदगी का हिस्सा, क्योंकि एक्वा एनर्जी आरओ देता है आपको शुद्ध पानी, जो कि रखता है आपका और आपके पूरे परिवार की सेहत का पूरा ख्याल। या फिर यू कहें कि एक्वा एनर्जी आरओ है आपकी सेहत का सच्चा रखवाला।